नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी को लेकर के भाजपा में चिंतन और मंथन चल रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के अच्छे कार्यक्रमों को भाजपा सरकार भी अपनाने का कार्य करेगी। सुनीता दुग्गल ने इस मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि विरोधी नेता केवल बयानबाजी में जुटे हैं, लेकिन उनकी सरकार को जनहित कार्य करने हैं और उन कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। सांसद ने कहा कि केंद्रीय बजट में उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं और सिरसा में भी बंजर भूमि का सदुपयोग किया जाएगा, साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट भी बंजर भूमि पर स्थापित करने का प्रयास है। जमीन तवी के डब्बावाली में ठहराव को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में दुग्गल ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री ने उनके लगातार इस मुद्दे पर बातचीत हुई है। दिल्ली में जम्मू के तवी का ठहराव होकर के रहेगा, इसके लिए पूरे देश में समीक्षा चल रही है। जहां गाड़ियों का ठहराव उचित होगा वहीं ठहराव करवाया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के नीतियां बन रही है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। एक विपक्षी पार्टी के नेता हैं, जय सिंह चौटाला हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, जय कुमारी शैलजा लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार जल्दी गिर जाएगी, क्या कहना आपका? देखिए ऐसा है कि अब जिनके पास कुछ कहने के लिए अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हम इन बेकार की बातों में अपना समय जो है बर्बाद नहीं करते। हमारी सरकार की ये कोशिश रहती है कि हम अपनी मेहनत किए जाएं, हम लोगों के लिए जो विकास कार्य कर सकते हैं वो किए जाएं, और उसके लिए सभी तत्पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल 100% होगा, समय लग सकता है लेकिन 100% होगा, और उसमें अधिकारियों की तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया है। और हमारे राज्य मंत्री जो है अंगड़ी साहब, उनसे भी मुलाकात करके उनका भी सब कुछ क्लियर हो गया है। सिर्फ जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय पीयूष गोयल जी, मैंने जो एक डेलीगेशन डबवाली से गया था उनसे डायरेक्ट उनको मंत्री जी को मिलवाया और उन्होंने भी अपनी बात रखी। सिर्फ दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि आदरणीय मंत्री जी ने यह कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बहुत से स्टॉपेज ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और बहुत से स्टॉपेज ऐसे हैं कि जहाँ पर ज़रूरत है। तो ये एक कमेटी की तरफ से पूरे इंडिया के अंदर ये देखा जाएगा कि जहां स्टॉपेज की जरूरत नहीं है, वहां पर अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो रहा है, उन स्टॉपेज को बंद किया जाएगा, और जहां जरूरत है उन स्टॉपेज को खोला जाएगा। तो डबवाली है उसको ये माना गया है कि वहां पर जरूरत है, इसी के तहत सभी अधिकारियों ने और हमारे राज्य मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि वहां स्टॉपेज होगा, वहां ट्रेन जरूर रुकेगी। लेकिन एक बार ये सारे पूरे हिंदुस्तान का एनालिसिस हो जाए उसके तुरंत बाद जो है 100% डबवाली में रुकेगी ट्रेन, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसा है कि इस चीज़ की समीक्षा और इस चीज़ का मंथन जो है हमारे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं कि क्या कारण रहे कि दिल्ली में हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या कर पाए कि उनकी सरकार दोबारा आ गई। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम क्या चीज़ उनसे सीख सकते हैं और क्या चीज़ अपने आप को हम मंथन करके सुधार सकते हैं। तो ये हमारा चिंतन और मंथन जो है हमारे वरिष्ठ नेताओं का चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है वो अच्छा होगा। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया दिल्ली में? देखिए ऐसा है कि जो भी सरकार रहती है उसकी जिम्मेवारी रहती है कि वो वहाँ के नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ करे, और क्या उन्होंने किया है अच्छा, अगर हमें ये लगेगा कि उनमें से कुछ हमें लेना चाहिए तो वो हम जरूर लेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी गुरेज नहीं करते हैं। कहीं से भी कुछ भी अगर अच्छा दिखता है उनको, आप देखिए चाहे बजट की बात करें, किसी की भी बात करें, वो सबको वेलकम करते हैं कि आप अपने इनपुट्स हमें दीजिए, और उसी के आधार पर सबको साथ लेकर चलने के लिए वो बजट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर उन चीजों में सुधार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल और अस्पताल का उन्होंने फोकस दिया, तो हरियाणा में स्थिति इससे अलग है, तो क्या उसको भी फॉलो करेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसके लिए कटिबद्ध है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा और अच्छा सुधार जो है हमारे हरियाणा के अंदर भी जो है वो आएगा आने वाले समय में।